नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और हमने बहुत सारी वीडियोस पहले भी दिखाई हैं और अब भी कंटिन्यू दिखा रहे हैं, जहां पे प्राइस कम होता है। और क्योंकि 90% वो लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, और उनका पहला पहला घर लेने का सपना होता है, लेकिन पैसे उतने होते नहीं। तो वो बेचारे इसी आस में देखते हैं कि कब हमारा जो नंबर आएगा और कब हमारे मतलब की कोई वीडियो आएगी जो हमारे बजट को सूट करेगी। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो अपनी ज़िंदगी का पहला घर बना रहे हैं, वो लोन लेना है और पैसे कम हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी भी चाहिए। अपनी गाड़ी पे कई बार नहीं भी होती चीज़, घर में ज़्यादा लोग हैं, व्हीकल एक होता है, तो बाकी लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो ये जो एरिया है इसके आसपास बिल्कुल सामने जो पेड़ दिखाई पड़ रहा है वो रेलवे स्टेशन लालडू के बाद दप्पर आता है, दप्पर का रेलवे स्टेशन है। अब इस तरफ चंडीगढ़ है और इस तरफ दिल्ली अम्बाला है, तो मेन हाईवे से बिल्कुल साथ में रेलवे लाइन है, स्टेशन है। स्टेशन क्रॉस करते ही सामने कॉलोनी का गेट है। इस कॉलोनी के अंदर 3 एकड़ की ये कॉलोनी है। इस तरफ 130 गज के, 126 गज के प्लॉट हैं और ये जो 850 गज का पार्क है और पार्क के आसपास भी प्लॉट हैं। इस कॉलोनी की अप्रूवल जो है रेगुलराइज हो चुकी है, अप्रूवल आ चुकी है, सीवेज इन्होंने डाल दिया है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पीछे उसका ऑर्डर दे दिया, वो भी जल्दी लग जाएगा। और इसके आसपास जैसे ये घर बने हुए हैं, ये घर बने हुए हैं, पीछे घर बने हुए हैं और पीछे कंटोनमेंट एरिया है, पीछे आबादी बसी हुई है यहाँ पे पुरानी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात की तो बिल्कुल सामने रेलवे स्टेशन है, वहाँ से चंडीगढ़ को, अम्बाला को, दोनों तरफ को ट्रेन आपको मिलती रहती है दिन में बहुत टाइम्स हैं। और जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो मेन रोड आ गया। मेन रोड पर आपको जो लालडू से डेरा बसी ऑटो चलते हैं वो आपको हर 10 मिनट में, 5 मिनट में मिल जाते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। जितनी भी बसेस अम्बाला टू चंडीगढ़ चलती हैं वो भी बाहर मेन रोड पे आपको उतारेंगी, वहाँ से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके चंडीगढ़, जीरकपुर, जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हैं। अब इस सोसाइटी में जो रहने के लिए होता है उसका कुछ ये होता है कि पार्क, पार्क का ये प्लॉट है, गेटेड सोसाइटी है। अब सामने गेट लग जाएगा और अगर अगर सैलरी पे होगी गार्ड की तो गार्ड भी बैठ जाएगा। वैसे ऐसी सोसाइटीज़ में हर महीने का खर्चा लोग कम पालते हैं, तो गेट तो है। अब वो सिक्योरिटी वाला सिस्टम अगर सारे खर्चा पे करेंगे तो हो जाएगा। अभी इसके आसपास जैसे सामने पहले कॉलोनी कटी थी तो 8-9 हज़ार रुपये गज था रेट पहले जब वो बिकी थी, तो उसकी भी हमने वीडियो डाली हुई थी। तो 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही जो प्राइस है जंप करके 9-10 हज़ार से लेकर 17,100 पे पहुंच गया है। इस कॉलोनी का आज का प्राइस 17,000 है, तो ये एक जंप हुआ है, ये शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल सामने वाली कॉलोनी की वीडियो हमारे ही चैनल के ऊपर साल सवा साल पुरानी पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। अब क्योंकि हमारी मित्रता यहाँ सबके साथ है तो हमारी तो सबके साथ ही दोस्ती है, तो इसीलिए सभी के साथ वो रिलेशनशिप बना ही हुआ है। और इसी वजह से हमें सारे मोहाली के सारे इलाकों के जो काम करने वाले बिल्डर हैं या वहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं सारे जानते ही हैं, उस नेटवर्क का फ़ायदा हमें होता ही है और हमारे देखने वालों को भी होता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ये देख लें कि अगर बिल्कुल सामने एक साल पहले 10,000 का प्राइस था और 17 का हो गया है, तो कितना और जंप आने की यहाँ पर गुंजाइश है। अब 17 से 22-23 तक तो जा सकता है जैसा हमें लग रहा है, मार्केट जैसे ग्रो हो रही है तो ये इतने तक तो जाएगा, कन्फर्म है। उसके बाद की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से पता लगेगा कि क्या फ्यूचर आता है। तो अभी 5,000 रुपये गज तक का प्रॉफिट यहाँ पे आने की उम्मीद है, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है। वो जैसे हमारे ये मित्र हैं जो कॉलोनी जिन्होंने बनाई है, वो कह रहे थे अभी कि जी हम बाय बैक भी कर रहे हैं, कुछ हम ऑफ़र दे रहे हैं कि आप ले लीजिए, वापस कर लीजिए। तो उनकी तरफ से ये ऑफ़र है, वो जब आप आओगे समझोगे, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं। आना है जैसे मैंने बोला तो फिर बाय बैक की तो सवाल ही नहीं पता होता, हम तो रहने के लिए बना रहे हैं।
तो अभी हम जब वीडियो बना रहे थे तो राजकुमार जी यहाँ आए, वो यहीं रहते हैं और उनका भी यहाँ घर है, तो वो देख कर आ गए और वो कहा कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो बता रहे थे कि पहले यहाँ पे रेट कम था और हमने जैसे बताया वही बात वो बता रहे थे, तो प्राइस बहुत बढ़ चुके हैं। अब उनके भी रिश्तेदारों ने लेने हैं तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा हो रखा है, उन्होंने पहले ले रखा है, तो आज जो लेगा उसको भी आगे जाके समय के बाद जब ये सारी कॉलोनी बस जाएगी या घर बन जाएंगे तो फिर जिस पोजीशन पे आज राजकुमार जी हैं वो कह रहे हैं कि मैंने सस्ता ले लिया था, तो आज से 5 साल बाद जो आज जिस प्राइस पे लेंगे वो भी कहेंगे कि हमने बहुत सस्ता ले लिया था। तो पहले घर बनाने वाले के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, प्राइस कम है, बाकी हर बंदे का अपना टेस्ट भी होता है। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगती है लेकिन एक्चुअल में जब जाते हैं तो वो लोकेशन आपको पसंद कई बार आती है, कई बार नहीं भी आती है, तो वो आपके ऊपर है कि आपका क्या टेस्ट है। जेब में जितने पैसे हैं अगर उसके हिसाब से देख रहे हो वीडियो तो ये आपके काम की चीज़ है, बाकी जो मुकद्दर में लिखा है होना वही है, मुद्दई लार बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो एक और शेर आपको सुना देते हैं, तो एक शेर याद आया कि मैं ताज हूँ तो सर पे सजा लेना चाहिए, मैं ताज हूँ तो सर पे सजा लेना चाहिए, मैं राख हूँ तो राख हवा में उड़ा देनी चाहिए, अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में, अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में, जितनी पूंजी है पास लगा देनी चाहिए। तो अगर आपके पास पूंजी है लगाने के लिए तो यहाँ लगा लें, और अगर घर बनाने के लिए लगानी है तो भी पूंजी लगा दें, और अल्लाह बरकतों से नवाजेगा ऐसी उम्मीद रख के चलनी चाहिए कि जो घर बनेंगे उसके अंदर बरकतें भी आएंगे, गाड़ियां भी आएंगी, बच्चे भी तरक्की करेंगे, और ऐसी हमारी दुआ है अल्लाह के आगे जो कि हर समय हर जगह मौजूद है, जिसको हम अल्लाह वाहेगुरु भगवान गॉड कहते हैं, उस निराकार ब्रह्म से ये अरदास है सारी मानवता के लिए कि हे भगवान, ये अल्लाह वाहेगुरु सबको खुशियां देना, सबको तंदुरुस्तियां देना, जो भी देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जो भी इस दुनिया में रह रहा है, इस पृथ्वी पर रह रहा है, उन सबको खुशियां देना, उन सब के घरों में बरकतें डालना, उनके घर में प्यार मोहब्बत बख्शना, भाइयों में आपसी प्यार बना रहे, दुनिया का हर शख्स एक दूसरे के साथ प्यार से मोहब्बत से रहे और सब सारी जिंदगी खुश रहें और तेरे गुणगान करते रहें, तेरा धन्यवाद करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।